हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर गंभीर है और बस टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा इस साल के अंत तक सड़कों पर होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, इस साल के अंत तक हमारे पास इलेक्ट्रिक बसें, टैक्सी और ऑटो रिक्शा होंगे। हम इसको लेकर गंभीर है और वाहन उद्योग भी इसको लेकर संजीदा है। इस मौके पर गडकरी ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से 1000 ई ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाई। मंत्री ने हुडा सिटी सेंटर जाने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवा ली और वापस भी उसी से आए। मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। स्वयं को बुलडोजर करार देते हुए गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय और सरकार निरंतर वाहनों के विद्युतीकरण पर काम कर रही है।